बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग फार्मेशियल प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत यूज़फुल शीट आपको साथ लेकर आया हूँ जो कि लैंड सर्वे के मुतालिक है, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होएगी। ये कंप्लीट कैलकुलेशन शीट है, रोड पेवमेंट एलिवेशन कैलकुलेशन प्रोग्राम की शीट है, जिसके अंदर एसफाल्ट वेयरिंग कोर्स, एसफाल्ट बेस कोर्स, वाटर बाउंड सब बेस, सब ग्रेड की कैलकुलेशन सब के सब आप वन क्लिक के जरिए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर ये आपकी वर्टिकल कर्व्स जो होंगी ये आपने उसके अंदर इनपुट करनी होगी। ये 10 वर्टिकल कर्व के अंदर ये प्रोग्राम काम करेगा। आपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो जो सी आपके वर्टिकल कर्व्स आ रही हैं वो आपने उसका स्टेशन और उसका एलिवेशन और वर्टिकल कर्व की लेंथ दे देनी है। ऊपर आपने रोड की विड्थ, पेवमेंट की स्लोप, शोल्डर विड्थ और शोल्डर की स्लोप दे देनी है। और डिज़ाइन पेवमेंट स्ट्रक्चर आपने इसके अंदर इनपुट करना है। एसफाल्ट वेयरिंग कोर्स की थिकनेस, बेस कोर्स की थिकनेस, वाटर बाउंड या बेस कोर्स, इसी तरह सब बेस और सब ग्रेड की थिकनेस आप देंगे इधर, ये आपका सामने नीचे सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसकी मुख्तलिफ शीट्स बनी हुई हैं, ये आपके पास जो जो सी आर डी आपको चाहिए होगी उसके ऊपर आपके सेंटर लाइन का एलिवेशन और जो सी आप पेवमेंट की स्लोप जो आपने ऊपर इधर इनपुट की होगी, पेवमेंट की स्लोप और शोल्डर की स्लोप, उनकी विड्थ वगैरह, उसके हिसाब से इसके एलिवेशंस इधर सारे कैलकुलेट हो जाएंगे उनके स्लोप्स के हिसाब से। जितनी आर डी के ऊपर आप डिस्टेंस देना चाहेंगे उनके ऊपर, इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि ये टॉप ऑफ है हमारे पास एसफाल्ट वेयरिंग कोर्स की। सेकेंड नंबर के ऊपर जो शीट होएगी वो एसफाल्टिक बेस कोर्स की आएगी। थर्ड नंबर के ऊपर वाटर बाउंड या बेस कोर्स वगैरह, उसके बाद सब ग्रेड्स की जो शीट्स हैं वो आ जाएंगी सब बेस की, उसके बाद लास्ट के अंदर सब बेस की शीट। तो ये सारी आप शीट्स वगैरह को आप सारा बना सकते हैं वन क्लिक के जरिए। ये इसके लास्ट में इसकी वर्टिकल कर्व्स की कैलकुलेशन शीट है। तो ये सारी शीट्स को आप वन क्लिक के जरिए बना सकते हैं। जस्ट आपने इधर से अपना कर्व का डेटा इसके अंदर इनपुट करना है, तो ये सारे आपके जिधर तक आपका ये कर्व डेटा होगा उधर तक की सारी कैलकुलेशंस एलिवेशंस की आपके सामने आ जाएगी। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको इस प्रोसेस, इस पूरी कंप्लीट प्रोग्राम की समझ आ सके। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, स्टेशन, एलिवेशन, वर्टिकल कर्व की लेंथ है और ये येलो सेल है, इसके अंदर आपने इनपुट करना है। ये येलो सेल और ये वाले जो येलो सेल आपको नजर आ रहे हैं, आपने जस्ट ये वाला डेटा इनपुट करना है इसके अंदर और बाकी इसके अंदर आपने जस्ट इससे स्टेशन का इंटरवल इनपुट करना है। ये जो डेटा होगा ये हमारा बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट से लेके एंड ऑफ प्रोजेक्ट जो होगा वो आपने इधर से देना है। उसके अंदर वी पी आई 1, 2, 3, 4 से लेके 9 तक उसका वी पी आई एलिवेशन और इसी तरीके से उसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ आपने इधर दे देनी जो कि आपको ड्राइंग के ऊपर दी गई होगी। जिस तरह के अगर आप ये मैं प्लान ओपन करता हूँ तो ये एक सादा सा प्लान बना हुआ है जिसके अंदर ये वर्टिकल कर्व आपके ऊपर प्लान प्रोफाइल की शीट के ऊपर शो हुई हुई होती हैं। जिस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 वर्टिकल कर्व तक का जो भी डेटा आपका होगा वो आप इसके अंदर इनपुट करेंगे तो ये आपकी इधर स्टार्ट से लेकर एंड तक की कंप्लीट वर्किंग कर देगा। इसके अंदर डेटा आपने कौन सा इनपुट करना है, डेटा आपने इधर से जो देना है वो उसके अंदर आपने इधर वी पी आई स्टेशन दे देना है, वी पी आई एलिवेशन दे देना है और नीचे वर्टिकल कर्व की लेंथ दे देनी है। इन सब के ऊपर आपने यही वर्किंग करनी है, वी पी आई स्टेशन, वी पी आई एलिवेशन और वर्टिकल कर्व की जो लेंथ आ रही है ये आपने देनी है, सारी जितनी भी आपकी कर्व्स आ रही हैं। इसके अलावा आपने इसके अंदर कोई डेटा इनपुट नहीं करना। तो ये आइए सबसे पहले आपको ये मैं बिल्कुल ये आप इस चीज़ के ऊपर ज़रा क्लियर कर लें कि जो से भी आपने स्टेशन देना है, वी पी आई स्टेशन 1+00 है तो आपने 1+00 दे देना है और इसी तरह 212.00 उसका वी पी आई एलिवेशन है वो दे देना है, वर्टिकल कर्व की लेंथ दे देनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट आ जाना है, जो सी आपके पास वर्टिकल कर्व का स्टेशन होगा 2+00 है और 206.50 उसका एलिवेशन और कर्व लेंथ 350 की जो आ रही है वो आपने दे देनी है। इसी तरीके से आप इसके अंदर ये डेटा इधर इनपुट करते जाएंगे इस शीट के अंदर इन चीज़ों के ऊपर। तो डेटा इनपुट करने के बाद ये पोर्शन आएगा हमारे पास नेक्स्ट, जिसके अंदर रोड की टोटल विड्थ और पेवमेंट स्लोप, शोल्डर विड्थ और शोल्डर स्लोप, ये आपने किधर से लेनी है। ये आपने अपना टीपिकल सेक्शन जो भी रोड का होगा उसको आपने इधर से ओपन कर लेना है और इधर से आपने उसको बनाना है। तो आप कैसे इधर से मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। इधर ये आप देख रहे हैं कि इधर से लेके 10 मीटर से लेके और ये इधर तक ये हमारे पास इधर पेवमेंट का स्ट्रक्चर है। इसकी स्लोप हमारे पास 2.5 की जा रही है। ये आपने इधर जो आपके पास पेवमेंट स्ट्रक्चर होएगा उसका आपने टोटल 10.8 और ये सेंटर वाले जितनी डायमेंशन होगी इस सबको आपने प्लस कर लेना है और
लीजिए इधर तक जिधर तक आपके पास पेवमेंट स्ट्रक्चर जा रहा है, स्फाल्ट जा रही है, उधर तक का आपने इसकी विर्थ दे देनी है इस पोर्शन के अंदर। इधर आपकी विर्थ आती है 10 मीटर आती है, आपने 10 इंटर कर देनी है, आपकी 15 आती है आपने 15 दे देनी है, और पेवमेंट स्लोप जो भी आ रही है -2.5 आ रही है तो आपने 2.5 दे देनी है, -2% है तो आपने -2 दे देनी है। तो आपने ये इसी तरीके से स्लोप देनी है। उसके बाद ये नेक्स्ट पोर्शन है इसके अंदर शोल्डर का, क्योंकि इधर हमारे पास ये जो टिपी का सेक्शन है इसके अंदर टोटल स्फाल्ट जा रही है पेवमेंट के अंदर भी और शोल्डर के अंदर भी। कुछ पोर्शन होते हैं जिसके अंदर अर्दन शोल्डर बने हुए होते हैं, उसकी स्लोप भी अलग होती है, तो आपने इधर से उसकी जो भी उसकी विर्थ जा रही होगी वो आपने इधर 3 मीटर इधर जा रही है, ये 3 मीटर आपने उसके अंदर से इनपुट कर देनी है, और ये जो टोटल उसकी जो स्लोप जा रही है -4% की, ये आपने इसके अंदर दे देनी है। दो किस्म की स्लोप इसके अंदर मैंने बनाई हुई है, तो ये आपने दोनों इधर से दे देनी है। जो भी विर्थ आ रही है 3 मीटर आ रही है तो आपने 3 मीटर दे देनी है, 5 मीटर आ रही है तो 5 मीटर, और जो भी शोल्डर की स्लोप है -4% या -3% जितनी भी आ रही है वो आपने इसके अंदर इनपुट कर देना है। उसके बाद नीचे आप आ रहे हैं इनपुट पेवमेंट स्ट्रक्चर थिकनेस है, उसमें स्फाटिक बेयरिंग कोर्स है, स्फाल्ट बेस कोर्स है, बेस वाटर बाउंड या बेस या सब बेस, बेस कोर्स या वाटर बाउंड उसकी थिकनेस है, सब बेस की थिकनेस आपने इंटर करनी है, सब ग्रेड की थिकनेस इंटर करनी है। ये थिकनेस आपने कहाँ से इंटर करनी है सारी, ये थिकनेस भी आपने अपने टिपिकल सेक्शंस के ऊपर से करनी है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास स्फाल्टिक बेस है 50 mm है, उसके बाद स्फाल्टिक बेस कोर्स है 75, उसके बाद सब बेस है और उसके बाद वाटर बाउंड और सब बेस आ रही है, तो ये आपने थिकनेस उसके अंदर दे देनी है। जो सब ग्रेड की थिकनेस होती है वो 30 सेंटी की होती है, वो उसके नीचे आती है, तो आपने अपने टीपी के सेक्शंस के हिसाब से ये वाली चीज़ें सारी इसी तरीके से इसके अंदर इनपुट करनी है। इनपुट करने के बाद ये आगे जस्ट बस आपने उसके बाद ये स्टेशन देंगे तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये इसको मैं इधर बताता हूँ, ये वर्टिकल कर्व जो जो उसका डेटा है वो मैं आपको इधर से इनपुट करके मैं इधर बताता हूँ सारा। तो ये आप देखेंगे इधर से, ये मैंने इसको येलो सेल जो है इनके अंदर आपने इधर से देना है बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, ये डेटा मैंने इधर साइड के ऊपर बनाया हुआ है। आपने इसी तरीके से अपनी ड्राइंग्स को अपने सामने ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपने ये डेटा देना है। सबसे ऊपर आपने इधर से 0+00 इंटर कर देना है, उसका जो एलिवेशन आ रहा है 715.50, तो आपने ये इनपुट कर देना है। उसके बाद वर्टिकल कर्व PVI 1 के ऊपर आ जाना है, ये बिगिनिंग ऑफ स्टेशन आ जाएगा जिधर से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इधर से आप कोई भी वर्टिकल कर्व से स्टार्ट से VPCC से पीछे वाला एलिवेशन और डिस्टेंस आप दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 1 के ऊपर आपने PVI 1 जो हमारे पास आ रही थी, ये जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये आ रही हैं, तो आपने इधर से इस तरह का डेटा इधर से अपनी कर्व्स के ऊपर जो दिया गया होगा उसको आपने सीरियल वाइज तरतीब वाइज कोई आपने वर्टिकल कर्व को मिस नहीं करना और सारा डेटा आपने इसके अंदर इनपुट करना है। तो इधर से ये डेटा मैंने इधर दिया हुआ है, तो इधर आप ये देखते हैं नेक्स्ट आर डी हमारे पास PI 1 हमारी स्टेशन उसका 4+00 और एलिवेशन है 715.250, वो आपने दे देना है, और साथ इसके वर्टिकल कर्व की लेंथ दे देनी है। ये VCL इधर आपको नजर आ रहा है, इधर आपने 250 की कर्व लेंथ दे देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास 8+500, वो VPI स्टेशन आपने इंटर करना है, और 721.150, और इसी तरीके से इसकी जो वर्टिकल कर्व है 250 वो आपने इनपुट कर देनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है 14+700, वो आपने दे देना है, और इधर से आपने 718.500 और वर्टिकल कर्व की लेंथ है इसकी 350, वो आपने इधर इनपुट कर देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास 20+500, और इसका एलिवेशन हमारे पास है 735.150, ये आपने इनपुट कर देना है, और साथ इसकी कर्व लेंथ है हमारे पास इसकी 400, वो आपने इनपुट कर देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास 26500, ये आपने डेटा देना है, और साथ इसका एलिवेशन 735.00 है, ये आपने इनपुट कर देना है, और इसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ 250। इसी तरीके से नेक्स्ट है 32+00, आपने इसका डेटा इनपुट कर देना है, 750 इसका एलिवेशन है, और इसी तरह इसकी जो कर्व लेंथ है वो 300 मीटर है, आपने इनपुट कर देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास 40+500 वाली VPI, वो आपने डेटा इनपुट कर देना है, 752.150 इसका एलिवेशन है, और इसी तरीके से इसकी टोटल लेंथ है 250, वो आपने इनपुट कर देनी है, 46+300। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने इसी तरह उसका एलिवेशन 756.600 आपने दे देना है, और साथ इसका वर्टिकल कर्व की लेंथ 300 मीटर, और 9 नंबर के ऊपर हमारे पास 52.00, ये आपने इसको इसके अंदर इनपुट कर देना है, और साथ इसका एलिवेशन है 748
0.500। और तो ये इसके बाद इसकी वर्टिकल कर्फ की लेंथ है 300 मीटर, तो ये आपने दे देनी है। उसके बाद जो आपके पास एंड होगा वो आपने दे देना है 6500। और इसी तरह उसका एलिवेशन आपके पास 753.650, तो ये आपने दे देना है। इसकी वर्टिकल कर्फ की लेंथ नहीं लिखनी। तो ये आप ये देख रहे हैं बिगनिंग ऑफ स्टेशन से लेके एंड ऑफ स्टेशन तक 1 से लेके 9 वर्टिकल कर्फ्स का डेटा हमने दिया है। इसके अंदर जो मिनिमम आप देंगे, मिनिमम आपने जो देना है वो आपने 3 वर्टिकल कर्फ्स का डेटा दे सकते हैं आप, यानी कि बिगनिंग ऑफ स्टेशन PVI 1 PVI 2 तक आप दे सकते हैं। इसके से कम आप नहीं देंगे। जो बाकी आपने डेटा अगर इससे ज़्यादा जितना भी आपके पास 4 है तो आपने 4 का डेटा दे देना है, 5 है तो 5 तक का डेटा दे सकते हैं, 6 तक दे सकते हो, तो इसी तरीके से 9 तक आके और आगे आपने नेक्स्ट जो 10 आपकी वर्टिकल कर्व होगी उसकी आपने उसका स्टेशन और एलिवेशन दे देना है। तो ये आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो मिनिमम आप देख लें कि स्टार्ट स्टेशन वर्टिकल कर्व 1 और वर्टिकल कर्व 2 तक का आप ये मिनिमम डेटा इसके अंदर देंगे 3 कर्व्स का, तो ये प्रोग्राम रन करेगा। तो ये आपने इसी तरह प्रोग्राम जिस टाइम ये डेटा इनपुट कर देना है, उसके बाद मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जैसे आपने इसकी ये डेटा आपने TP के सेक्शन के हिसाब से रोड की जो आपके पेवमेंट की विर्थ है वो आपने टोटल विर्थ इधर लिख देनी है। अगर आपके पास 750 वन साइड के ऊपर है तो वो आपने मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना दोनों साइडों के ऊपर। इसी तरह पेवमेंट स्लोप 2% है तो 2% कर देनी है, 2.5 है तो 2.5, शोल्डर की विर्थ जितनी आ रही है और स्लोप। इसी तरीके से नीचे आपके पास जो पेवमेंट स्ट्रक्चर की जो थिकनेसेस आ रही हैं ड्राइंग के अंदर TP के सेक्शन के अंदर आपको दी गई हैं, आपने वो इसके अंदर इसी तरीके से इनपुट कर देनी है। इसके बाद आपके पास ये आउटपुट डेटा आ जाएगा। ये पूरा डेटा आपके पास वही स्टेशन वगैरह जो आपने लिखे हैं वो आ जाएंगे, PVI एलिवेशन आ जाएगा, वर्टिकल कर्फ की लेंथ आ जाएगी और साथ इधर आपके पास इधर ग्रेड और इसकी जो ई और या MO की जो कैलकुलेशन है वो सारी इधर आपके सामने इधर आ जाएगी। अपनी ड्राइंग्स के ऊपर आप ये ग्रेड्स ग्रेड 1 ग्रेड 2 और इसी तरीके से ये आप चेक कर सकते हैं और ई और MO की कैलकुलेशन भी आप इधर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है इसके ऊपर और आपने कोई वर्किंग नहीं करनी, इधर से जस्ट आपने स्टेशन इंटरवल देना। अगर आपको 1-1 मीटर के ऊपर चाहिए तो आपने इधर से स्टेशन इंटरवल 1-1 मीटर की RD इनपुट कर देनी है, तो ये आपके जितने एलिवेशन होंगे सारे 1-1 मीटर के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने 5 मीटर है तो 5 मीटर काटते हैं, 10 मीटर है तो 10 मीटर के ऊपर आपको एलिवेशन चाहिए तो 10 मीटर काटते हैं, 25 मीटर या 50 मीटर जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर भी आपको इसके एलिवेशंस वगैरह चाहिए वो सारे इधर ऑटोमेटिकली ये आपके सेंटर लाइन के जो एलिवेशन होंगे ये सारे इधर आपके सामने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। आप इसको अपनी ड्राइंग के ऊपर क्रॉस चेक कर सकते हैं अपना डेटा देने के बाद, और उसके बाद जो इसकी स्लोप्स वगैरह जा रही होंगी वो सारी आ जाएंगी। तो इधर मैंने 1, 2 और 3 कॉलम्स इसके मैंने बनाए हुए हैं पेवमेंट के, आप क्योंकि इसके मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर हमें एलिवेशन वगैरह चाहिए होते हैं। आप इधर से जोन से भी लेंथ इसकी चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप जितने इतने डिस्टेंस के ऊपर आपको चाहिए इसके, यानी कि सेंटर लाइन से लेकर अगर आपने 1 मीटर 2 मीटर और 5 मीटर के ऊपर चाहिए तो आपने इधर इसी तरीके से आपने इधर इसका 1 मीटर डिस्टेंस, इधर आप इसका 4 मीटर और इधर आप 7 मीटर डिस्टेंस आप इसका इधर बना सकते हैं, लिख सकते हैं अपना जो भी डिस्टेंस आप मैनुअली। ये कॉलम जस्ट मैंने ऊपर इसको छोड़ा हुआ है, इसके अंदर मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया हुआ। आप जो भी इधर ऊपर आपके ऊपर इसका जो भी डिस्टेंस देंगे सेंटर लाइन से उसके ऊपर नीचे एलिवेशंस आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, शोल्डर के भी और आपके मेन प्रोफाइल जो आपकी मेन पेवमेंट होएगा उसके भी। तो ये आपके पास इसी तरीके से जोन सी भी स्लोप आप ऊपर ये स्लोप आपने दी होगी, इधर आप इसको मैं -2.5 करता हूं तो आप ये देखेंगे नीचे ये दोनों साइडों के ऊपर 2.5 के ऊपर सारे एलिवेशंस के कैलकुलेट हो गए, सारा फार्मूला इसके ऊपर लगे हुए हैं सारा कुछ ये। तो आप इसको देख सकते हैं, ये ओपन शीट हैगी, इसको आप जब वर्किंग करें तो उसको आप ओरिजिनल फाइल को आप सेव कर लें, सेव एस कर लें और उसके ऊपर आप कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये स्फाल्टिक वेयरिंग कोस्ट जो बिल्कुल टॉप की हमारी लेयर होती है, टॉप रोड टॉप FRL जो फिनिश रोड लेवल होते हैं वो सबसे पहली शीट आपके पास इधर नीचे कैलकुलेट हो जाएगी, जो जो से भी आपने RDs दी गई होंगी। बहुत बड़ी शीट हैगी, नीचे तक इसकी कैलकुलेशन सारी हुई है। तो इसी तरीके से सेकंड नंबर के ऊपर स्फाल्ट बेस कोर्स इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, स्फाल्ट बेस कोर्स का जो आपने इधर आप इसका थिकनेस इनपुट करेंगे वो इधर उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन उसके हिसाब से होगी। थर्ड नंबर के ऊपर वाटर पाउंड या सब बेस है, उसकी थिकनेस भी आपने जो इधर इनपुट की गई होगी वो ऊपर टॉप से लेकर सारे एलिवेशन ऑटोमेटिकली इसके हो जाएंगे। इसी तरीके से सब बेस की कैलकुलेशन है, इसी तरीके से सब ग्रेड की कैलकुलेशन की कंप्लीट शीट बनी हुई है। तो ये एक ही एक्सेल के ऊपर सारी शीट
शीट्स बनी हुई हैं। इस जो लास्ट वाली शीट है कैलकुलेशन शीट, इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर फार्मूलाज वगैरह सारे लगे हुए हैं। तो आप ये इसी तरीके से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कम्प्लीट इसको चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया। आप इसको इसी तरीके से वर्किंग करते हुए बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये शीट, कैलकुलेशन प्रोग्राम शीट, बहुत आपको साइट के ऊपर लैंड सर्वे के हवाले से यूज़फुल शीट है। आपने जस्ट इसके अंदर से वर्टिकल ग्राफ का डेटा इनपुट करना है और रोड की विड्थ और उसके स्लोप्स वगैरह और डिज़ाइन स्ट्रक्चर आप इधर से इनपुट कर देंगे, तो ये आपके सारे एलिवेशंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। ऊपर मैंने डिस्टेंस इसके चेंज किए, ये ओपन है, इधर से आपने जितने जितने फासले के ऊपर आपको इसके डिस्टेंस चाहिए वो आप इधर से मैनुअल इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं, राइट साइड के ऊपर भी और लेफ्ट साइड के ऊपर भी और शोल्डर के। तो ये आपकी पूरी एलिवेशंस वगैरह उसी तरीके से आ जाएंगे। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और अपने तमाम फ्रेंड्स को आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट ज़रूर करना है। तो मैं अब भाई आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस शीट को आप डाउनलोड करके अपने पीसी के अंदर आप सेव कर लीजिए और वर्किंग आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।